तो देखिए बच्चों, पिछली क्लास में हम लोग क्या है कि पढ़ चुके थे हम लोग टिम्बर क्वालिटी, है ना, लाउडनेस। तो प्रॉपर्टीज ऑफ जो है आप प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव जो थे वो पढ़ लिया था, और हमने देखा था कि हमारा ब्रेन या फिर हम कैसे एनालाइज करते हैं। उसके बाद मैंने आपको अल्ट्रासाउंड के बारे में बताया था। अल्ट्रासाउंड ऐसे साउंड होती हैं, आप ऐसा बोल याद कर सकते हो, जब हमने पढ़ा था कि अल्ट्रासाउंड ऐसी साउंड वेव्स होती हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी जो है वो ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्स होती है। क्योंकि याद करो बच्चों, ह्यूमन जो रेंज होती है वो 20 हर्ट्स से 20 किलो हर्ट्स होती थी। 20 किलो हर्ट्स से जो ऊपर वाली फ्रिक्वेंसी की साउंड्स होती हैं वो हमें सुनाई नहीं देती, तो उसको हम क्या बोलते थे बेटा, अल्ट्रासाउंड। और लेस देन 20 हर्ट्स वाली जो साउंड हमें सुनाई नहीं देती थी उसको हम बोलते थे इंफ्रासाउंड, है ना। तो अब ये अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक साउंड जो है उसके कुछ एप्लीकेशंस हैं जो हमें यहाँ पढ़ने हैं। कभी कभी पूछ लिए जाते हैं तो वो एप्लीकेशंस हम वन बाई वन करके देखते हैं, है ना। अच्छा, उससे पहले थोड़ा सा एक छोटा सा पॉइंट है, रिफ्लेक्शन। आगे चलकर भी बताएंगे इसको, इसके बारे में, लेकिन अभी आप थोड़ा सा देख लो यहाँ पे, क्योंकि रिफ्लेक्शन का यूज हो सकता है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है? तो आपने बच्चों प्रीवियस क्लास में, 8th क्लास में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा होगा, वैसी साउंड वेव की भी रिफ्लेक्शन होता है। अगर मैं यहाँ पे एक रिफ्लेक्टर मटेरियल रख दूं या एक बोर्ड रख दूं जो साउंड को रिफ्लेक्ट करता है, तो यहाँ से अगर आप चिल्ला रहे हो तो ऐसे साउंड आ रही है, तो आपको पता है कि जिस पॉइंट पे गिरती है वहां पे अगर हम एक नॉर्मल खींच लें तो ये साउंड वेव ऐसे आ रही है, तो जो एंगल बनाएगी वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, और फिर साउंड यहाँ से रिफ्लेक्ट करके ऑब्जर्वर के पास जाएगी, है ना। यहाँ पे सुनाई देगा अगर हम कान लगाएंगे तो ये एंगल आर पर सुनाई देगा। कैसे एक्सपेरिमेंटली किया जाता है वो अभी आगे चल के मैं बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, यानी वो वैसा ही है जैसा लाइट में होता था। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे भी एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है इन केस ऑफ साउंड। अब बच्चों, साउंड का रिफ्लेक्शन जब होता है तो हम क्या करते हैं कि एक फिनोमिना होता है जिसको बोलते हैं इको, या फिर रिफ्लेक्शन का फिनोमिना होता है। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे खड़े हैं, इको के बारे में बाद में बात करेंगे, आप यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ पे दूर पे एक बिल्डिंग है ना बच्चों। तो अगर आपको इसकी दूरी नहीं पता है कि बिल्डिंग की दूरी क्या हो, कितनी दूर है बिल्डिंग, कितने दूर है इस मैन से, तो हमें ये डिस्टेंस अगर डी निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? तो ये आदमी अगर चिल्लाएगा या साउंड देगा तो साउंड ऐसे ट्रेवल करेगी डी दूरी, फिर रिफ्लेक्ट करके वापस आएगी डी दूरी, मतलब डी आगे गया फिर रिफ्लेक्ट करके आया, फिर इसने इसको रिसीव कर लिया, तो इसने टाइम नोट कर लिया बच्चों। जब इसने टाइम नोट कर लिया और इसको साउंड की वेलोसिटी पता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड पता है कि वो कितनी रफ्तार से एयर में ट्रेवल करती है, तो आप खुद सोचो इस साउंड ने कितनी ट्रेवल की है डिस्टेंस, डी जाते हुए और रिफ्लेक्ट होने के बाद डी आते हुए, तो टोटल डिस्टेंस कवर 2D हो गया और टाइम लगा टी। तो वेलोसिटी लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड कैन बी रिटन एज डिस्टेंस जो कवर किया, डेट इज डी जाने में, डी आने में, तो 2D डिवाइड बाई टाइम। तो यहाँ से डिस्टेंस की वैल्यू निकल आती है, मतलब ये डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये वेलोसिटी ऑफ साउंड इनटू टाइम बाई 2, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। 2 का फैक्टर इसलिए आता है क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, एक बार गया और एक बार आया, इसलिए 2 का फैक्टर आता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब इसका पहला जो एप्लीकेशन है वही है सोनार। सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये आपके शिप्स वगैरह में यूज होता है साउंड नेविगेशन, मतलब साउंड से नेविगेशन करते हैं और हम पता करते हैं कि ओशियन कितने डेप्थ में है, या कोई दूसरा पार्टिकल, मतलब अगर कोई सबमरीन है तो उसके सामने ऑब्स्टेकल कितने दूर है, ये सब पता करने के लिए सोनार का यूज किया जाता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग बोलते हैं। तो इसमें लिखा है इट इज अ टेक्निक फॉर डिटरमाइनिंग द वाटर डेप्थ, तो वाटर में कितनी डेप्थ है उसको डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है, एंड लोकेटिंग अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स, तो जो अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स हैं उनको लोकेट करने के भी काम आता है ना, सच एज रीफ्स, सबमरीन, है ना, स्कूल्स ऑफ फिश, तो इस तरीके से काम आता है। तो द कोर ऑफ सोनार यूनिट कंसिस्ट ऑफ एन अल्ट्रासाउंड ट्रांसमीटर। तो भाई जो यहाँ पे सोनार लगा होता है बच्चों शिप्स में नीचे तरफ, ये अल्ट्रासाउंड ट्रांसमीटर होता है। तो ये क्या है, साउंड वेव को ऐसे नीचे ट्रांसमिट करता है, तो जहां पे भी ये डेप्थ है, बेस है, वहां से साउंड रिफ्लेक्ट होके ऊपर आएगी, तो ये टाइम कैलकुलेट कर देता है उसको डिटेक्ट करके, है ना बच्चों।
तो ट्रांसमीटर और रिसीवर माउंटेड ऑन द बॉटम ऑफ शिप, जैसे फिगर में दिखाया गया है। द ट्रांसमीटर इमिट्स अ शॉर्ट पल्स ऑफ अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड सेंड करता है, एंड द लेटर टाइम रिफ्लेक्टेड पल्स रिटर्न्स, फिर कुछ देर बाद रिफ्लेक्टेड पल्स जो है वो रिटर्न होती है एंड डिटेक्टेड बाई रिसीवर, और रिसीवर उसको डिटेक्ट कर लेता है। द वॉटर डेप्थ इज डिटरमाइंड इलेक्ट्रॉनिकली मीजर्ड राउंड ट्रिप टाइम ऑफ पल्स, तो टाइम कैलकुलेट हो जाता है बच्चों, और नॉलेज ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर, और वाटर में हमें साउंड की स्पीड पता होती है कितनी है, तो डेप्थ रजिस्टर्स ऑटोमेटिकली अप्रोप्रिएट मीटर, तो मीटर बता देता है, मीटर ये कैलकुलेट कर लेता है डिस्टेंस कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इनटू टी, टी उसने पता कर लिया है, वेलोसिटी ऑफ साउंड उसको पहले से पता ही है, डिवाइड बाई टू करना है, तो उसको डेप्थ पता चल जाती है और फिर वो हमें शो कर देता है मीटर में, है ना। तो इस तरीके से निकाला जाता है। मेरे ख्याल से आपको सोनार का जो वर्किंग है वो क्लियर होगा, समझ में आया होगा बच्चों। इस तरीके से शिप्स वगैरह में, सबमरीन वगैरह में सोनार जो है वो काम करती है बाई यूजिंग द अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड इसलिए क्योंकि उसमें आवाज नहीं सुनाई देती, हमें आवाज नहीं सुनाई देती, है ना, आराम से बिना आवाज किए हुए वो चली जाती है, आ जाती है, डिटेक्ट हो जाती है, और हमें अच्छे से पता चल जाता है कि कितनी डेप्थ पे बेस है ना, ओशियन वगैरह में, या कोई ऑब्जेक्ट है, या फिर कोई चीजें हैं, है ना, वो सारी चीजें हम पता कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये जो पॉइंट है क्लियर है। तो देखिए बच्चों, ये लिखा भी हुआ है, अ सोनार बीम इज फायर टूवर्ड्स द सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट, द टाइम इंटरवल बिटवीन इट्स फायरिंग एंड रिसीविंग द इको इज नोटेड, मतलब वो जो रिफ्लेक्शन से आती है उसको इको बोलते हैं ना बच्चों। ड्यूरिंग दिस टाइम सोनार बीम ट्रेवल्स अ डिस्टेंस बिटवीन द इंस्टेंट ऑफ फायरिंग एंड इट्स रिफ्लेक्शन ट्वाइस, मैंने बोला ना दो बार ऐसा हो जाता है, तो लेट दिस डिस्टेंस बी एस, हमने डी माना था, यहाँ पे उसको एस माना गया है। इफ वी इज द वेलोसिटी ऑफ सोनार बीम, अगर वी वेलोसिटी है सोनार बीम जो कि जिसकी फ्रिक्वेंसी ग्रेटर एंड 20 हर्ट्ज है, तो डिस्टेंस कैसे निकाला जाएगा भाई, वी इंटू टी बाई टू, है ना। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर है, मैं पहले ही समझा चुका हूँ उसको। यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड द डेप्थ ऑफ सी, वी इज द स्पीड ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव इन वाटर, और डी इज द डेप्थ ऑफ द, एस इज द डेप्थ ऑफ द सी। द मेथड ऑफ फाइंडिंग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट यूजिंग इको इज कॉल्ड इको रेंजिंग, तो ये जो रिफ्लेक्शन से इको से हम रेंजिंग करते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं, उसको इको रेंजिंग बोलते हैं। वाइल दिस मेथड ऑफ फाइंडिंग द डेप्थ ऑफ द सी यूजिंग इको इज कॉल्ड इको डेप्थ रेंजिंग, इन केस ऑफ सोनार इज कॉल्ड एज फाथोमीटर, है ना। तो जो मीटर हमें रीडिंग देते हैं उसको फाथोमीटर बोलते हैं। तो आई होप आपको ये जो सारे पॉइंट्स हैं वो बच्चों क्लियर होंगे, तो इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, है ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए बच्चों, सेकंड जो एप्लीकेशन है अल्ट्रासाउंड का, वो मेडिसिन में यूज होता है। अल्ट्रासाउंड आप जानते ही हो, है ना, कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है उसके लिए, या फिर कोई इंटरनल इंजरी होती है तो बिना उसके हम ऑपरेशन किए इंजरी को डिटेक्ट कर सकते हैं। ये टेक्निक जो है वो अल्ट्रासाउंड मेडिसिन में यूज किया जाता है। ये रिफ्लेक्शन करता है, तो हमारी बॉडी का जो अपर स्किन होती है उसको ये अल्ट्रासाउंड आराम से पेनिट्रेट कर जाती है, लेकिन जो इंटरनल ऑर्गन्स है वहां से रिफ्लेक्ट होके आ जाती है, तो हमें एक इमेज मिल जाती है ना बच्चों अल्ट्रासाउंड से। तो मेडिसिन में बहुत इसका उपयोग है, ठीक है। तो इसमें लिखा भी हुआ है, व्हेन अल्ट्रासाउंड वेव्स आर यूज्ड इन मेडिसिन फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड पल्सेस प्रोड्यूस बाय ट्रांसमीटर एंड डायरेक्टेड इनटू द बॉडी, तो बॉडी में आ जाती हैं वो, एज इन सोनार रिफ्लेक्शन ऑकर्स, फिर वो रिफ्लेक्शन होता है, दे अकर ईच टाइम अ पल्स एनकाउंटर अ बाउंड्री बिटवीन द टू टिश्यूज, तो जो दो टिश्यूज हैं उनके बाउंड्रीज के बीच से वो ऊपर आ जाती हैं, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, दैट दे हैव डिफरेंट डेंसिटीज और अ बाउंड्री बिटवीन टिश्यू और एडजेसेंट फ्लूइड्स, बाय स्कैनिंग अल्ट्रासाउंड वेव्स अक्रॉस द बॉडी डिटेक्टिंग द इकोस, तो इस तरीके से रिफ्लेक्शन और इकोस जनरेटेड हैं उनको डिटेक्ट किया जाता है फ्रॉम द वेरियस लोकेशन विद इन द बॉडी एंड इट इज पॉसिबल टू ऑब्टेन अ पिक्चर, तो इस तरीके से वो पिक्चर बना लेते हैं, पिक्चर एक दिख जाती है हमें, है ना। हाँ, कंप्यूटराइज होता है, तो सारा कंप्यूटर को हमने इस तरीके से सेट किया होता है, प्रोग्रामिंग की होती है कि वो सारी पिक्चर हमें बना के दिखा देता है। और सोनोग्राम, उसी को सोनोग्राम बोलते हैं, ऑफ द इनर एटन एनाटॉमी, अल्ट्रासाउंड वेव्स आर एम्प्लॉयड एक्सटेंसिवली इन ऑब्स्टेट्रिक्स, है ना, टू एग्जामिन डेवलपिंग ऑफ फीटस, है ना, ज्यादातर तो प्रेग्नेंट लेडीज के लिए काम आता को
डिटेक्ट करने के लिए, फीटस को डिटेक्ट करने के लिए ज्यादा यूज में लिया जाता है ना। तो मेरे ख्याल से आपको ये पॉइंट क्लियर है। इसको थोड़े से हम नीचे चलते हैं बच्चों। फिर लिखा हुआ है, फिगर था ही, आपने फिगर देख ही लिया है, तो इसमें लिखा भी हुआ है द फीटस सराउंडेड बाई एन एनाइटिक सैक, है ना, एक सैक होता है उससे सराउंडेड होता है। आप लोगों ने बायोलॉजी पढ़ी है तो आप इसके बारे में ज्यादा जानते होंगे, है ना। कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर एनाटॉमिकल फीचर्स ऑफ डेट फूटल साइज पोजिशन पॉसिबल एब्रोनॉर्मेलिटीज कैन बी डिटेक्ट। तो सारे जो फूटस होता है, जो बेबी होता है, उसकी सारी चीजें डिटेक्ट हो जाती हैं। उसका पोजिशन क्या है, क्या एब्रोनॉर्मेलिटीज हैं, चीजें सही से हैं, उसके ऑर्गन सही से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो ये अल्ट्रासाउंड के थ्रू हमें पता चल जाता है। अल्ट्रासाउंड इज ऑल्सो यूज इन अदर मेडिकल रिलेटेड एरियाज, फॉर इंस्टेंट माली नेंसिस इन द लीवर, है ना। तो एक बच्चों ये आप ऐसा बोल सकते हो, डिसीज होती है जो लीवर में होती है, उसको भी आप डिटेक्ट कर सकते हो, किडनी में डिटेक्ट कर सकते हो, ब्रेन पैनक्रियास कैन बी डिटेक्टेड विथ अल्ट्रासाउंड, तो वो भी आप डिटेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारी जो बीमारियां हैं या फिर जो टिश्यूज डैमेज है, वो सारी चीजें आप अल्ट्रासाउंड से जो है डिटेक्ट कर सकते हो इन सारे ऑर्गन्स में। इन केस वेयर इंटरनल हेमोरहैगिंग अकर्स, यानी जहाँ पे ब्लड क्लॉट वगैरह या इंटरनल ब्लीडिंग वगैरह है, वो भी डिटेक्ट किया जा सकता है। इट इज पॉसिबल टू आइडेंटिफाई द ब्लीडिंग एरिया एंड इवन ऑब्टेन द ग्रॉस एस्टिमेट ऑफ ब्लड लॉस यूजिंग अल्ट्रासाउंड टेक्निक्स। तो ये सारे काम कर सकते हैं अल्ट्रासाउंड से। तो आप समझ पा रहे होंगे कि मेडिकल एरिया में अल्ट्रासाउंड का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है ना। तो अल्ट्रासाउंड में भी एम्प्लॉयड टू ब्रेक स्मॉल स्टोन फॉर्म्ड इन द किडनी, तो किडनी में जो पथरी हो जाती है, स्टोन्स हो जाते हैं, उनको फाइन ग्रेन्स में तोड़ने के लिए बिना ऑपरेशन के अल्ट्रासाउंड का भी यूज किया, तब भी यूज किया जाता है। एंड दीज ग्रेन्स लेटर गेट फ्लश्ड विद अवर यूरिन, है ना, आउट विद यूरिन। फिर येट अनदर एप्लीकेशन इन्वॉल्व्स मॉनिटरिंग ऑफ रियल टाइम मूवमेंट ऑफ पल्सेटिंग स्ट्रक्चर सच एज हार्ट वेव्स, इकोकार्डियोग्राफी ईजीसी और लार्ज ब्लड सेल, है ना। तो ये सारे मेडिकल यूज है बच्चों, बहुत ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये सब तो बताया गया इसमें, जो आपको लगे मेन मेन चीज है उसको आप याद रखना है ना। तो दो तीन पॉइंट या दो तीन लाइन आप ताकि उसमें लिख सकें। तो मेरे ख्याल से आपको ये वाला पॉइंट भी बच्चों क्लियर होगा। तो देखिए बच्चों, जो इसका नेक्स्ट यूज है अल्ट्रासाउंड का, वो है अल्ट्रासोनिक क्लीनर्स। ये जो है, आप अपनी केमिस्ट्री लैब में जाएंगे ना तो वहां पे मिलती है। अब स्कूल की लेबोरेटरी में मिलता है कि नहीं मिलता ये नहीं पता, लेकिन जो बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज होती हैं जहाँ पे केमिकल रिएक्शन से डील किया जाता है, तो वहां पर ये अल्ट्रासोनिक क्लींजर या फिर अल्ट्रासोनिक बाथ, इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट होता है। तो इसमें जो आपके ग्लास के एपर्टस होते हैं, जैसे फ्लास्क हो गया, बीकर हो गया, अब आप उसमें केमिकल को अगर रिएक्ट करवा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, जब दूसरी बार यूज करोगे, दूसरे केमिकल्स का रिएक्शन करोगे, तो उसमें कुछ जो पहले रिएक्शन हुआ होगा उसके कुछ पार्ट्स केमिकल के रह जाते हैं, उनको अच्छी तरीके से क्लीन करने के लिए अल्ट्रासोनिक क्लीनर्स का यूज किया जाता है ना बच्चों। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट यूज है। तो मतलब अल्ट्रासाउंड इसमें आती है तो हमें आवाज नहीं आती, लेकिन अंदर वाइब्रेशंस होती हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंसी होती है, और उन वाइब्रेशन की वजह से ग्लास से जो अटैच केमिकल है, वो वाइब्रेशन की वजह से, फ्रिक्वेंसी की वजह से, वो वहां से रिमूव हो जाता है ग्लास के सरफेस से। तो इस तरीके से हम क्लीन करने के लिए यूज करते हैं अच्छी तरीके से, है ना। तो अल्ट्रासोनिक क्लींजर क्लीनर्स आर स्पेशली पॉपुलर विथ ज्वेलर्स, साइंटिस्ट, है ना। तो ये जो आपके ज्वेलर्स होते हैं वो भी यूज करते हैं, साइंटिस्ट केमिकल रिएक्शंस के लिए यूज करते हैं, फॉर क्लीनिंग डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट्स, है ना, एंड ऑब्जेक्ट्स विथ हार्ड टू गेट एट प्लेसेस, जहाँ पे आप अच्छे से सफाई नहीं कर सकते ऑर्नामेंट्स वगैरह में, वहां पे इसका यूज किया जाता है, क्योंकि ये रिमूव कर देता है वाइब्रेशन के द्वारा। तो फिगर इलस्ट्रेट द मेन फीचर्स ऑफ द अल्ट्रासोनिक क्लीनर विच इंक्लूड्स अ मेटल टैंक। तो एक बच्चों यहाँ पे मेटल टैंक होता है, देखो बना हुआ है यहाँ पर, फिल्ड विथ क्लीनिंग फ्लूइड। तो क्लीनिंग एक सोल्यूशन होता है ना, वो लेके आते हैं क्लीनिंग सोल्यूशन, जिससे क्लीन किया जाता है। अटैच एट द बॉटम ऑफ द अल्ट्रासोनिक ट्रांसमीटर, तो अल्ट्रासोनिक ट्रांसमीटर से अटैच कर दिया जाता है उसको, दैट टिपिकली प्रोड्यूस 40 किलो हर्ट साउंड वेव। तो ये 40 किलो हर्ट जो है साउंड वेव प्रोड्यूस करता है।
द हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स कॉज अ फिनोमिना कॉल्ड कैविटेशन, तो वो बहुत ज्यादा वाइब्रेशन होता है जिसको कैविटेशन बोलते हैं, इन विच स्मॉल पार्शली एवोक्यूटेड स्पेस फ्रॉम द क्लीनिंग फ्लूइड, है ना, तो वहां पे वो स्पेसेस में क्लीनिंग फ्लूइड अंदर चला जाता है. द पार्शियल वैक्यूम इन दिस स्पेसेस कॉजेज डर्ट एंड ग्रीस पार्टिकल्स टू बी पुल्ड फ्रॉम इवन द टाइनिस्ट क्रैक्स और क्रीव्स, तो बहुत छोटे छोटे क्रैक्स से भी पार्टिकल्स को निकाल देता है ना, इतना पावरफुल होता है ये. तो इस तरीके से ऑर्नामेंट्स वगैरह में ज्वेलर्स वगैरह यूज करते हैं साफ करने के लिए, और साइंटिस्ट यूज करते हैं जब केमिकल रिएक्शंस वगैरह कराना होता है, या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट है जिसको अच्छे से क्लीन करना जरूरी होता है किसी भी एक्सपेरिमेंट से, तो उसमें इसको इस तरीके से यूज किया जाता है ना. तो मेरे ख्याल से आपको ये वाला एप्लीकेशन भी बच्चों समझ में आया होगा. तो देखिए बच्चों, फोर्थ यूज है, बड़ा इंपॉर्टेंट यूज है ये, डिटेक्टिंग फ्लॉज इन मेटल्स. फ्लॉज इन मेटल्स तो होता क्या है बच्चों, जैसे मेटल का ब्लॉक है, जैसे आपके बहुत बड़े बड़े ब्रिज बन रहे हैं, तो वहां पे मेटल के ब्लॉक्स जाते हैं, बीम जाएंगी, बीम लगेंगी, है ना, मटेरियल लगेगा. अब आप सोचो, ब्रिज जब बनता है तो उसमें, या कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही है तो उसमें अगर आपने जो मटेरियल लगाया है उसमें अगर अंदर से क्रैक वगैरह है, तो वो धीरे धीरे लोड सहते सहते बड़ा क्रैक बन जाएगा और फाइनली ब्रेक हो जाएगा, तो ऐसे तो बहुत लोगों की जान खतरे में आ जाएगी. तो हमें ये देखना पड़ता है कि जो हम मेटल्स बीम्स का, मेटल ब्लॉक्स का प्रयोग कर रहे हैं, उनमें कहीं इंटरनल क्रैक्स तो नहीं है, कहीं इंटरनल डिफेक्ट तो नहीं है. अब आप ऑब्वियस सी बात है, उस ब्लॉक को या मेटल के ब्लॉक को या बीम को काट के तो देखोगे नहीं, नहीं तो फिर मटेरियल खराब हो जाएगा, तो उसको आप डैमेज नहीं करोगे. बिना डैमेज करे हुए आपको पता करना है कि कोई इंटरनल डैमेज तो नहीं है, तो कोई फ्लॉ तो नहीं है. तो उसके लिए हम यूज करते हैं अल्ट्रासाउंड का. तो होता क्या है कि अगर इस मेटल में कोई क्रैक नहीं है, तो अल्ट्रासाउंड आप इससे सेंड करो तो अल्ट्रासाउंड इसको पास कर जाएगी, ट्रेवल कर जाएगी, पास कर जाएगी, और यहाँ पे डिटेक्टर्स लगा दो. तो अगर ये पूरे रीजन में डिटेक्टर्स ने डिटेक्ट कर लिया अल्ट्रासाउंड, इसका मतलब अंदर कोई फ्लॉ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी क्रैक वगैरह नहीं है. लेकिन अगर एक मेटल का ब्लॉक है और वो उसमें इंटरनल क्रैक है या फ्लॉ है, तो जब आप अल्ट्रासाउंड डालोगे तो जहां पे क्रैक होगा वो अल्ट्रासाउंड वहां से रिफ्लेक्ट कर जाएगी, तो यहाँ डिटेक्टर में डिटेक्ट ही नहीं होगी, केवल वही डिटेक्ट होगी जो आपकी क्रैक से पास नहीं हो रही है. तो इसका मतलब एक रीजन जहां पे क्रैक होगा वहां पर आपकी डिटेक्शन होगी नहीं, तो आप समझ जाओगे कि इसमें इंटरनल फ्लॉ है या क्रैक है, क्योंकि वहां से रिफ्लेक्शन हो चुका है रेस का, तो वहां डिटेक्ट हुई नहीं, तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है. तो उसके बाद उस मटेरियल को वहां से हटा दिया जाता है और दूसरा मटेरियल यूज किया जाता है ना. तो ये बात भी आपको याद रखना है. तो लिखा भी हुआ है, अल्ट्रासाउंड इज ऑल्सो यूज टू डिटेक्ट क्रैक्स फ्लॉज इन मेटल ब्लॉक्स. मेटलिक कॉम्पोनेंट्स आर जनरली यूज फॉर कंस्ट्रक्शन बिग स्ट्रक्चर्स लाइक बिल्डिंग, ब्रिजेस, मशीन, ऑल्सो साइंटिफिक इक्विपमेंट. द क्रैक होल्स इन साइड द मेटल ब्लॉक्स विच आर इनविजिबल फ्रॉम आउटसाइड रिड्यूसेस द स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रक्चर. तो अल्ट्रासाउंड वेव्स आर अलाउड टू पास थ्रू मेटल ब्लॉक्स एंड डिटेक्टर्स आर यूज टू डिटेक्ट ट्रांसमिटेड वेव्स. इफ देयर इज इवन स्मॉल डिफेक्ट द अल्ट्रासाउंड गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक, इंडिकेटिंग दैट प्रेजेंस ऑफ द फ्लॉ और डिटेक्ट एज शोन एज डिफेक्ट एज शोन एज इन फिगर. तो ये आपको फिगर में दिया गया है ना. तो मेरे ख्याल से आपको ये फोर्थ यूज भी जो है अल्ट्रासाउंड का वो क्लियर होगा, समझ में आया होगा बच्चों, है ना, तो इसको भी पढ़ लीजिएगा. तो देखिए बच्चों, अब है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. तो जैसे मैंने आपको बताया कि पहले ही बता दिया था कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन वैसे ही होता है जैसे लाइट का रिफ्लेक्शन होता है ना. तो साउंड लाइक अदर वेव्स कैन बी रिफ्लेक्टेड, जैसे लाइट वेव रिफ्लेक्ट करती है वैसे साउंड वेव भी रिफ्लेक्ट करती है. ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन इट फॉलोज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ही फॉलो करता है. डेट इज क्या बोला था बच्चों मैंने, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. द अबव फिनोमेना कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग टू एक्सपेरिमेंट. दो एक्सपेरिमेंट आपको बताए गए हैं, ये आपको स्कूल में कराए जाते हैं, तो अगर आपने किए हैं तो ठीक है, नहीं किए हैं तो आप ऐसे समझ लो, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ. तो एक्सपेरिमेंट वन, तो करते क्या है कि यहाँ पे एक रिफ्लेक्टर रख देते हैं या फिर एक वुड का ब्लॉक रख देते हैं जो रिफ्लेक्टर की तरह काम करेगा, है ना बच्चों. फिर यहाँ पे एक टिकिंग क्लॉक रख देते हैं, जो टिक 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 वाली क्लॉक नहीं होती, स्टॉप वॉच टाइप की, वो टिकिंग क्लॉक रख दिया जाता है. और यहाँ पे एक जो है बच्चों, एक पाइप रख देते हैं इस तरीके से, ताकि इससे साउंड वेव ऐसे अंदर आए,
सिर्फ ये वाली साउंड वेव यहाँ से टकराए और वो रिफ्लेक्ट हो। फिर दूसरी साइड एक पाइप और रखी जाती है और इस पाइप को ऐसे मूव कर सकते हो। तो ये देखा जाता है जब इस पाइप को आप मूव करोगे तो जब इसका एंगल कम होगा या एंगल ज्यादा होगा तो आपको टिक टिक की आवाज बहुत तेज सुनाई नहीं देगी, लेकिन जैसे ही आप इसको इसका जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर रखोगे, मतलब इस पोजीशन पे ये पाइप रखोगे और आप टिक की आवाज सुनोगे टिकिंग वॉच की, तो बहुत तेज आवाज आएगी। इसका मतलब ज्यादातर जो वेव्स हैं वो इस एंगल पे आ रही हैं जो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर है। ये प्रूफ करता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आई होप आपको एक्सपेरिमेंट क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, अरेंज टू टू होलो ट्यूब्स ए एंड बी, ए और बी दो होलो ट्यूब्स हैं इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। तो यहाँ पे प्लेन मिरर लिखा गया, और एनी प्लेन सरफेस शोन इन फिगर, प्लेस अ स्टॉप क्लॉक एट सी, तो सी पर बच्चों स्टॉप क्लॉक रखा गया है, एंड ईयर एट ई, और ये देखो बी ट्यूब के पास ई पॉइंट है, वहां पे आपने अपने कान लगा के रखे हैं ना। तो प्लेस अ स्क्रीन एस बिटवीन द ट्यूब्स ए एंड बी, और एक स्क्रीन आपने लगा दी है ए और बी के बीच में, सो डेट द साउंड फ्रॉम द क्लॉक मे नॉट रीच द ईयर ई डायरेक्टली, ताकि ईयर में डायरेक्टली इस टिकिंग क्लॉक की आवाज ना पहुंचे, केवल यहीं से रिफ्लेक्ट होके पहुंचे, है ना। तो द ट्यूब बी इज मूव इन वेरियस पोजिशन, तो बी वाली जो ट्यूब है मैंने बताया ना आपको, इसको वेरियस पोजिशन पे आप मूव करो, अंटिल अ पोजिशन इज फाउंड वेयर टिकिंग क्लॉक इज मोस्ट डिस्टिंक्टली हर्ड। बहुत अच्छे से क्लैरिटी से बहुत लाउड आवाज में आपको जब टिकिंग क्लॉक क्या करे बच्चों सुनाई दे, है ना, टिकिंग की आवाज सुनाई दे, तो फिर आप क्या करें कि वहां पे रोक ले। हेयर द एंगल्स ऑफ ट्यूब मेक विद द नॉर्मल, तो नॉर्मल के साथ आप एंगल्स मेक करें, है ना, जो आपका एक्स वाई है एट पॉइंट ओ, वेयर एक्सिस ऑफ द टू ट्यूब्स इंटरसेक्ट, और उसको मीजर करो, इट विल देन बी फाउंड डेट द एंगल ऑफ इंसिडेंस ए ओ एस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एस ओ बी, तो आपको एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर मिलेगा। इफ द ट्यूब बी इज स्लाइटली डिस्प्लेस फ्रॉम दिस पोजिशन प्रैक्टिकली नो साउंड इज हर्ड, तो बहुत कम मतलब लगभग लगभग कोई साउंड आपको सुनाई देती ही नहीं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि एक्सपेरिमेंट वन क्या है बच्चों और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या है ना। जल्दी से मैं आपको एक्सपेरिमेंट टू भी बता देता हूँ। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे अगर हम एक्सपेरिमेंट टू की बात करें तो क्या करते हैं, ऐसे कॉनकेव रिफ्लेक्टर लेते हैं, कॉनकेव रिफ्लेक्टर। तो बच्चों अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, इस टाइप का शेप का जो रिफ्लेक्टर होता है उसको कॉनकेव बोलते हैं, यहाँ से रिफ्लेक्शन होता है, इसका एक पॉइंट होता है जिसको फोकस बोलते हैं। अगर आप फोकस पर कोई सोर्स रखोगे, जैसे लाइट सोर्स अगर हम रखेंगे, तो इससे अगर लाइट रेज ऐसी जाएंगी तो इस फोकस का ये फायदा है कि ये जो बच्चों बीचों बीच से जो लाइन जाती है उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है ना। तो जब फोकस पे आप लाइट सोर्स रखोगे तो टकराने के बाद जो है जो रेज है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है, ये फोकस का इम्पोर्टेंस होता है। या कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो वो फोकस से चली जाएंगी, मीट करेंगी। तो लाइट में ये रिफ्लेक्शन का फिनोमेना होता है, साउंड में भी ऐसा ही फिनोमेना पाया जाता है। यहाँ पे देखो आपने दो कॉनकेव रिफ्लेक्टर रखे, एक इस साइड एक इस साइड, और एक फोकस पे आपने सोर्स रख दिया जो साउंड का सोर्स है, साउंड का सोर्स है, और दूसरे रिफ्लेक्टर के फोकस में आप खुद खड़े हो गए अपने कान लगाकर, है ना। अब आप देखोगे कि जब ये सोर्स यहां से साउंड प्रोड्यूस करेगा तो साउंड प्रोड्यूस करने के बाद क्योंकि ये फोकस पर है तो इससे साउंड टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखो ये पैरेलल रेस चली गई प्रिंसिपल एक्सिस से, और फिर ये इस वाले रिफ्लेक्टर से टकराने के बाद क्योंकि ये पैरेलल आ रही है तो फोकस पे आके मिलेंगी, फोकस पे आके मिलेंगी, और फोकस पे तो आपके कान है, आपने ईयर लगा के रखे हैं अपने, तो वहां पे आपको बहुत लाउड साउंड सुनाई देगी। अगर आप इससे दूर हट जाओगे तो नहीं सुनाई देगी, यहाँ पे लाउड साउंड सुनाई देगी। तो ये फिर से जो है रिफ्लेक्शन का फिनोमेना प्रूफ कर रहा है, कौन सा बच्चों, साउंड फ्रॉम द स्फेरिकल सरफेस जो कॉनकेव रिफ्लेक्टर है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि प्लेस टू रिफ्लेक्टर्स ए एंड बी फेसिंग ईच अदर अ सोर्स ऑफ फेंट साउंड, तो आपने फेंट साउंड से टिकिंग स्टॉप क्लॉक इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ रिफ्लेक्टर ए, तो ए के रिफ्लेक्टर पर रखा गया, और ईयर ऑफ द फोकस, ईयर एट द फोकस ऑफ रिफ्लेक्टर बी, और बी के रिफ्लेक्टर फोकस पर आपने ईयर रख दिया है ना, मतलब अपने कान रख दिए, वहां पे खड़े हो गए आप। द साउंड वेव्स स्टार्टिंग फ्रॉम द सोर्स आफ्टर बींग रिफ्लेक्टिंग द सरफेस
ए फॉल ऑन द सरफेस बी, है ना, तो बी पर फॉल होते हैं रिफ्लेक्टर बी पर, एंड आर कन्वर्ज टू इट्स फोकस, और फोकस पे कन्वर्ज हो जाते हैं जैसे मैंने बताया, वेयर टिकिंग क्लॉक इज मोस्ट डिस्टिंक्टली हर्ड, तो वो बहुत अच्छे से आपको साउंड वहां पे सुनाई देगी। एट अ पॉइंट अदर देन द फोकस टिकिंग क्लॉक वुड बी प्रैक्टिकली इनऑडिबल, तो आपको प्रैक्टिकली वहां पे सुनाई नहीं देगा, है ना। तो मेरे ख्याल से आपको ये जो सेकंड एक्सपेरिमेंट है बच्चों, ये भी क्लियर होगा, है ना, और रिफ्लेक्शन प्रूफ करता है, जैसे लाइट का होता है वैसे साउंड का होता है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड मेरे ख्याल से आपको अब क्लियर है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर इसी के आगे हम थोड़ा सा इस पॉइंट को भी पढ़ लें कि साउंड वेव्स लाइक लाइट वेव्स ऑल्सो गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम प्लेन और स्फेरिकल सर्फेस, जैसे लाइट वेव जो है वो स्फेरिकल और प्लेन सर्फेस दोनों से रिफ्लेक्ट हो सकती है, वैसे साउंड भी दोनों से रिफ्लेक्ट हो सकते हैं, और साउंड वेव्स ओवेज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बाई रिफ्लेक्टिंग, और रिफ्लेक्शन के दौरान आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को भी फॉलो करता है साउंड वेव, जैसे लाइट वेव करता है ना। साउंड वेव्स अनलाइक लाइट वेव्स डू नॉट नीड स्मूथ सरफेस फॉर सफरिंग रिफ्लेक्शन एज दे हैव मच लॉन्गर वेवलेंथ। तो भाई क्या होता है ना कि लाइट वेव को अगर रिफ्लेक्ट करना है तो उसके लिए जो सरफेस है बहुत स्मूथ चाहिए, स्मूथ चाहिए, तब लाइट में अच्छे से रिफ्लेक्शन होता है, लेकिन साउंड के साथ ऐसा नहीं होता है। साउंड के साथ जो है अगर आपको रिफ्लेक्शन जो है वो चाहिए तो किसी भी सरफेस से रिफ्लेक्ट हो सकता है ना, उसमें रिफ्लेक्शन में प्रॉब्लम नहीं जाती, उसका कारण है कि उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। अब आप इस बारे में जो है आप समझेंगे जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे, तो उसके लिए अलग से परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऑल्सो टू गेट एन एप्रिशिएबल रिफ्लेक्शन साउंड वेव्स हैव शुड हैव द डायमेंशन इक्वल और लार्जर देन द वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव्स फॉलिंग इन इट। तो अगर आपको अच्छा रिफ्लेक्शन चाहिए तो जो साउंड वेव्स की मतलब जो भी जिससे भी टकरा रही है उसकी जो डायमेंशंस होनी चाहिए वो वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव्स के बराबर या उसके कंपेरेबल होना चाहिए, तो ज्यादा अच्छा आपको रिफ्लेक्शन का रिजल्ट मिलता है ना बच्चों। तो ये पॉइंट्स हैं कुछ जो आपको याद रखने चाहिए, और इस तरीके से रिफ्लेक्शन खत्म होता है। बाकी इको वाला जो पार्ट है वो हम अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज के लिए इतना ही।